जय माता दी मित्र। जैसे आप देख सकते हैं हम माता वैष्णो देवी के स्थान पर आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं माता रानी के दरबार में आए हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर बस स्टैंड है माता वैष्णो देवी के, नवरात्रा का सीजन है, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर इस मास्क का कंपल्सरी जरूरी है यहाँ पर लगाना, और इसके बाद आते हैं और देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी यहाँ पर भीड़ लगे हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं आप माता के दरबार में कितना भीड़ है। पहला यहाँ का है, बस स्टैंड है, बहुत भीड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। हम पर्ची लेने जा रहे हैं अभी, देख सकते हैं हम पर्ची को एंटर पर जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के साथ। यहाँ पर देख रहे हैं मास्क लगाए हुए हैं हम, मास्क जरूरी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जा रहे हैं हम पर्ची कटाने के लिए जा रहे हैं, यह निःशुल्क है माता वैष्णो देवी, कोई चार्ज नहीं है जाने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों माता वैष्णो देवी का, ये पर्ची कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर्ची है, ये देख रहे हैं पर्ची है हमारा, पर्ची ले लिए यहाँ पर। अरे यहाँ का बस स्टैंड है, देख सकते हैं मेरा नाम लिखा ये है, तारीख लिखा है 13/10/2011 और देख रहे हैं वैष्णो देवी के दरबार है। काफ़ी भक्तों का भीड़ लगे हुए हैं, मैं बता नहीं सकता, यहाँ पर खुद देख सकते हैं अपने कैमरे में काफ़ी भीड़ लगी। यहाँ पर एक बस स्टैंड है माता वैष्णो देवी का, और नवरात्र का सीजन इसीलिए बहुत भीड़ लगे हुए हैं। देख रहे हैं ऊपर दरबार, और इधर भी देख सकते हैं काफ़ी पीछे भी बहुत बहुत भीड़ लगे हुए हैं यहाँ। देख रहे हैं दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं हमारी यात्रा को, हमें बने रहे हैं। ये देख रहे हैं वेलकम टू नवरात्र फेस्टिवल, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हम माता वैष्णो देवी यात्रा में यहाँ काफ़ी भीड़ लगे हुए हैं नवरात्रि का फेस्टिवल, इसीलिए आगे को चलते हैं हमारी यात्रा। देख सकते हैं आप काफ़ी भीड़ लगे यहाँ पर, और ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पर अभी पानी पी रहे हैं, ये देखिए। नवरात्रि के पावन दरबार में हम आ चुके हैं माता वैष्णो देवी, और यहाँ से ही आरंभ होता है हमारा यात्रा माता जी से। देख सकते हैं आप काफ़ी भक्तों को भीड़ लगे हुए हैं उमंग में। हमारे वीडियो पसंद है और मास्क भी लगाना कंपलसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी कोरोना का सीजन चाहे ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए मास्क उसे लगाने के बोल रहे हैं। हमारे वीडियो पर बह रहे हैं तो आपको पूरा जानकारी बताएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पूरा, देख सकते हैं मित्रों यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है माता के दरबार में। यहाँ पर जा रहे हैं थोड़ा पैदल यात्रा, थोड़ा आगे को और बताएँगे आपको। देख सकते हैं मित्रों, देख सकते हैं माता रानी का भवन, यहाँ ऊपर चढ़ेंगे हम, आपको जूम करके बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप। यह पावन नवरात्रि के सीजन में हम दर्शन करने के लिए आए हैं, देख रहे हैं, इधर दिखाते हैं आपको। दोस्तों
दोस्तों हमारे वीडियो में हम आपको पूरा माता वैष्णो देवी का एक एक सीन आपको दिखाएंगे हमारे वीडियो में, बने रहिए। देख सकते हैं माता वैष्णो देवी का ऊपर, देख सकते हैं पर्वत है, त्रिकुटा पर्वत बोलते हैं इसको हम, देख सकते हैं फिर दोस्तों। आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं यहाँ पर ऑटो है लगे हैं, यहीं से ऑटो जाना बंद होता है, आगे कोई ऑटो नहीं जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिकुटा पर्वत है, देख रहे हैं हम काफ़ी भीड़ लगी हुई, यहाँ नवरात्रि का सीजन चल रहा है इसीलिए यह नवरात्रि। देख रहे हैं आप, जैसे देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से आप। मोर का सीधा फोकस इसने कर बेटा, स्नेर के समझ के दखल इसे और फिर इसे कर पूरा घुमा रहे, पोस्टर पोस्टर है नहीं आके पूरा तू सभी को जय माता दी। जैसे कि आप देख सकते हैं हम माता वैष्णो देवी के स्थान पर आए हैं, यहाँ देखिए वेलकम नवरात्र का स्थान देख रहे हैं आप, देव दर्शन है यहाँ और देख सकते हैं यहाँ आपको बढ़ते हैं यहाँ पे यात्रा कराते हैं। देख सकते हैं माता वैष्णो देवी के स्थान है और कितना सुंदर सजा है माँ का दरबार, देखिए पहला द्वार है यहाँ पर आपको ले जा रहे हैं, देख सकते हैं हमारे भैया आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर और हम मास्क उस लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ मास्क लगाना अनिवार्य है। देख सकते हैं यहाँ पर माता के दरबार, यहाँ पर हम आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है जय माता दी, आप देख सकते हैं वहाँ पर जय माता लिखा है। आप यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगे, यहाँ पर मास्क उस थोड़ा उतार लेते हैं, देख सकते हैं माँ का दरबार कितना सुंदर सजा है। यहाँ पर माता के दरबार में कितना अच्छा सजा हुआ दरबार है, कितना अच्छा भवन सजा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कतार में भीड़ लगे, यहाँ पर देख रहे हैं माँ के भवन दरबार में, देख सकते हैं काफ़ी कतार में लाइन लगे हुए, यहाँ पर देख रहे हैं आप माता के भवन कितना सुंदर सजा हुआ है, देख रहे हैं आप। दो लाइन है, एक स्त्री का है पुरुष का है, यहाँ पर दो लाइन पॉइंट है जा रहे हैं हम माता भवन में, पहला द्वार है यहाँ से, हम यहाँ से यहीं से यात्रा पहला चालू होता है और यहाँ से रेलिंग में जा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं पीछे भी लाइन है, आगे भी लाइन है, काफ़ी भीड़ लगे हैं नवरात्रि का सीजन चल रही है, देख सकते हैं हमारे पीछे भी लाइन है तो आगे भी लाइन है, इस कैमरे से देख सकते हैं, फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ कितने कतार लगे हुए हैं माँ भगवती का दर्शन करने के लिए, देख सकते हैं ऊपर देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं आप, मास्क नहीं लगा सके क्योंकि यहाँ पर मास्क लगा कंपल्सरी है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों का जयकारा लग रही है, यहाँ पर लोग जय माता दी हो रहे हैं, यहाँ पर चेकिंग है, यहाँ पर सामान वामान का चेकिंग करेंगे, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगे हैं यहाँ पर, बहुत भीड़ है दोस्तों, देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप, काफ़ी भीड़ है यहाँ देख रहे हैं, देखिए पूरा भीड़ है यहाँ भगवती के दर्शन के लिए, यह देखें यहाँ बुजुर्गों का दूसरा लाइन लगे हुए हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए दूसरा लाइन है, मतलब महिला भी है उनके लिए दूसरा लाइन, बुजुर्गों के लिए मतलब
जो महिलाओं के लिए दूसरी लाइन है, बुजुर्गों के लिए दूसरी लाइन है और हमारे जैसे जवान के लिए दूसरी लाइन है। जैसे कहाँ से है मास्क लगाना जरूरी है यहाँ पर, बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं करते। यहाँ दोस्तों जैसे सकते हैं यहाँ पर पर्ची का एंट्री होगा। यहाँ पर जो कंप्यूटर साइड है ये बाल कोड स्कैन होगा, जो देख सकते हैं यहाँ पे बाल कोड स्कैन होगा, ये बाल कोड स्कैन हो गया देख सकते हैं आप। हमने बाल कोड का स्कैन करा लिया, उसके बाद यहाँ पर फिर से आराम कर रहे हैं। यहाँ पर ये है कि यात्री मतलब कितने कितने यात्री जा रहे हैं यहाँ से पता लग सकते हैं, वेरीफाई किया है यहाँ पर कि फेक है या डुप्लीकेट है सभी को सकते हैं। अपनी यात्रा को यहाँ से आरम्भ करते हैं, मास्क लगा ही गा लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देखिए बजरी है उसको निकाला जा रहा है यहाँ पर, बजरी को मतलब कुछ कुछ यहाँ पर भी रिपेयरिंग काम चलते रहता है, मतलब यहाँ पर मतलब कभी रोड का रिपेयर अगर होते रहते देख सकते हैं इसका, क्योंकि इतने यात्री करोड़ों की संख्या में आते जाते हैं यहाँ पर, तो कुछ इसीलिए हर रोज से रोज यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर जैसे घोड़े का मल हो गया इनको सफाई करते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों हम काफ़ी यहाँ पर भीड़ हुआ है यहाँ पर। और ये है इधर देख सकते हैं ये लंगर है नीचे, नहीं नीचे लंगर नहीं है, यहाँ शायद यहाँ पर सामान जमा करते हैं। ये चीज़ है लोकल जो सामान जमा करते हैं उनका है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कराएंगे जमा, आगे चलेंगे लंगर में, सॉरी लंगर बोल दिया था। और देख सकते हैं यहाँ पर ठंड लगना चालू हो चुका है और मैंने एक टी शर्ट ही डाला है, बाकी मेरे बैग में जो है बाकी कपड़े भर भर के भरे हैं। यहाँ से देख सकते हैं पानी पीने का है और देख सकते हैं दोस्तों, और बने रहे हमारे वीडियो पर एक आपको जाके देखेंगे। ये देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा भी है गुलशन कुमार टी सीरीज कंपनी शोरूम, यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो पुराने टी सीरीज होता है गुलशन जो किया था, और ये यहाँ पर लंगर लंगर के रास्ता आगे है बोल रहे हैं, आगे हम जाते हैं जैसे कि लंगर के रास्ता, बने रहे हमारे वीडियो में आपको दिखाते हैं। और ठंड लगना चालू हो चुका है यहाँ पर, अभी यात्रा आरंभ देने के फिर भी ठंडा लगना चालू हो चुका है काफ़ी, इसीलिए पूरा इंतजाम करके रखे हुए बैग साइड में, मतलब कोटी छोटी डाल के रखे हुए हैं, इसलिए बताते हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है माता के दरबार में जाते हुए। यहाँ से हम लंगर जाएंगे, लंगर भी काफ़ी भीड़ लगा है, तो बिल्कुल भीड़ लगा है लंगर में, आप ये देखिए लंगर यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। वेलकम टू ट्रैक वो मार्ग लिखा हुआ है देख सकते हैं, हम यहाँ पर कतार में लग चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कतार में लगे हैं दोस्तों, काफ़ी भीड़ लगा है, नवरात्रि का भी सीज़न है इसीलिए। बाकी बाहर से भी आए हैं दोस्तों, जम्मू से बाहर से लोग, दिल्ली मुंबई से पता नहीं कहाँ कहाँ से, सबको कवरेज नहीं कर सकते इसीलिए कि काफ़ी जानकारी बता रहा हूँ। भीड़ तो काफ़ी है यहाँ पर, पता नहीं दर्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आपको एक एक जानकारी पूरा दिखाएंगे आपके माता वैष्णो देवी दरबार की एक वीडियो दिखाएंगे आपको, तो हमारे वीडियो पर बने रहें आप। दोस्तों हम गुलशन कुमार के लंगर में अभी कतार में लगे हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कतार में लगे हैं सभी, फोटो काट के दिखा देते हैं, हम उनको दाना चाहिए, हम उनको तो सहायता करा दे। यार लंगर में काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं कैसे भीड़ लगे यहाँ पर लंगर में, देख सकते हैं यहाँ पर ये लंगर खाकर आ रहे हैं
और यहाँ से हम जाएंगे, देख सकते हैं लंगर, देखिए लाइन में लंगर खाने के लिए, भोजन करने के लिए यहाँ पर कतार में भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं। थाली लेंगे हम, थाली और हमें चावल लेंगे, ये थाली हम दिए हैं, बेसन का कड़ी है और चने का दाल और चावल और पूरी है, दे सकते हैं आप। उसके बाद एक गुलशन कुमार का लंगर है, यहीं पर बैठकर खाना का भोजन कर रहे हैं। काफ़ी स्वादिष्ट है, देखिए चलो अरे तो ये देखिए काफ़ी भीड़ लगी बाढ़ में और हमारे यात्रा को जारी रखते हैं। बहुत भीड़ है नवरात्रि में, हम आपको बैठन देंगे, हर एक छोटी मोटी जानकारी देते रहेंगे। देख रहे हैं कुछ इधर फोटोग्राफी कर रहे हैं और त्रिकुटा पर्वत देख सकते हैं आप, कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है इधर का। ये चुन्नी है, राठी भी है, ये शौचालय है और इन लोग शौचालय जा रहे हैं, हम इधर ही रुक रहे हैं, शौचालय उन दोस्तों को जाने दे देते हैं।